Silence, please. Why? निम्रजी बहुत बहुत स्वागत है इस कन्वर्सेशन में। थैंक यू। आपकी जो वेब सीरीज आ रही है उसने काफ़ी ह्यूमंगस बज़ क्रिएट कर चुका है और ये काफ़ी लोगों को पसंद भी आ रही है। क्या कहना चाहेंगे इस वेब सीरीज में, क्या नयापन होगा? जी, सब कुछ ही नया है एक्चुअली, फ्रॉम द स्टोरी टू द फैक्ट दैट इट्स अ वेब सीरीज़। मेरा पहला एक एक्सपीरियंस रहा है ये, बहुत ही एक्साइटिंग मीडियम है और ये एक्सप्लोर करने में बड़ा मज़ा आ रहा है कि ये ऑडियंस क्रिएट करना और एक ऐसे स्पेस में जाना जो हमने अब तक नहीं देखी है। एक लेडी आर्मी ऑफिसर प्ले करना जो कि एक कॉम्बैट कैपेसिटी में देखी जाएंगी, ये बहुत ही एक्साइटिंग कॉम्बिनेशन रहा है सब कुछ। एंड कहीं ना कहीं इसको कंपैरिजन भी हो रहा है शाहरुख खान की जो फौजी थी। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज दैट्स अ कल्ट शो एंड यू नो वी नो दैट इट्स अ प्लेस दैट यू नो वी ऑल फॉन्डली रिमेंबर एंड यू नो शाहरुख खान्स पोर्ट्रेल ऑफ एन आर्मी ऑफिसर इज आइकॉनिक फ्रॉम दैट टाइम। सो ये बहुत ही अच्छी बात है अगर इस चीज़ का यू नो सेम स्पेस में मेंशन हो रहा है। किस टाइप की ट्रेनिंग ली थी इस पर्टिकुलर रोल के लिए? बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइप की ट्रेनिंग, एंड्योरेंस ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एथलेटिक लेवल पे ट्रेनिंग ली गई है और मेरे लिए फिज़िकली ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग एक्सपीरियंस रहा। इससे ज़्यादा मैंने अपने आप को फिज़िकली कभी चैलेंज नहीं किया। बहुत सारी चीज़ें जो मुझे खाने में बहुत पसंद हैं वो सब आई हैड टू जस्ट लेट गो ऑफ एवरीथिंग, सो बहुत सैक्रिफाइसेस रही बट बहुत ही रिवॉर्डिंग जर्नी भी रही है। इसके साथ ही आपने एक पायनियर आपने कर दिया है, एक जो फीमेल आर्टिस्ट हो जो है इतने हार्ड हिटिंग कैरेक्टर्स को प्ले करने का जो आपने एक जो शुरुआत की है इसके ज़रिए लोगों को प्रेरणा भी मिल रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, आई थिंक एज एक्टर्स हम ये चीज़ तो नहीं सोचते, एटलीस्ट मैं ऐसा नहीं सोचती एज एन एक्टर कि हार्ड हिटिंग है और फीमेल सेंट्रिक है इसीलिए मुझे ये करना है। मुझे कहानियों से प्यार है, मुझे किरदारों से प्यार है, मुझे एक जर्नी में इंटरेस्ट है और अगर एज एन ऑडियंस मुझे लगता है कि मैं ये देखना चाहती हूँ तो मैं यू नो आई स्टार्ट वॉकिंग दैट पाथ एज एन एक्टर। सो द इंटेंशन इज़ नॉट टू प्ले समबडी स्ट्रॉन्ग और टू अ वुमन सेंट्रिक पार्ट, वो इंसिडेंटल है ज़रूर, येस, बट इट्स रियली ग्रेट टू नो दैट यू नो पीपल रिलेट टू समथिंग दैट यू नो वन वर्क्स इन। इस फिल्म में जो आपका कैरेक्टर है वो आप रियल लाइफ में कितना आप खुद से रिलेट करती हैं? बहुत ही कम, आई थिंक जितनी स्ट्रेंथ और जितना ग्रिट शिखा शर्मा रखती हूँ उतना मैं तो नहीं रखती। मैं बहुत वल्नरेबल हूँ दैट वे और मैं जल्दी डर जाने वाली हूँ। मुझे कोई बोले कि एक बंदूक लेके निकल जाओ और ये करना है वो करना है गोली खानी है तो मैं कहूँगी नहीं आप ही करिए क्योंकि मैं इस तरह का कारेज और इस तरह की ग्रिट तो नहीं रखती पर्सनली। क्या मतलब क्या नहीं था एक्चुअली इस प्रोजेक्ट में और इस अपॉर्चुनिटी में एक्चुअली वो सब है जो एक ड्रीम सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन होती है एंड बिकॉज मैं एक आर्मी बैकग्राउंड से आती हूँ तो एनीवे मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा एज एन एक्टर कि मुझे एक आर्मी ऑफिसर प्ले करने का मौका मिला है और एक लंबा फॉर्मेट है, 6 घंटे होंगे हमारे पास स्टोरी टेलिंग के लिए। वील हैव दैट अपॉर्चुनिटी टू बी एबल टू फाइंड दैट जर्नी ओवर मेनी आवर्स एंड नॉट जस्ट 2.5 आवर्स, यू नो, जिसमें एक लिमिटेशन होती है एक फिल्म की। और लोग कहीं भी इस चीज़ को देख सकते हैं, अपने घरों में, ट्रेन्स में, ट्रैफिक में, गाड़ियों में, प्लेन्स में, कहीं भी, यू नो, इट्स योर ओन टाइम एंड हाउ यू चूज़ टू स्पेंड इट एंड होपफुली इट इज़ समथिंग दैट यू नो विल रीच आउट मोर एंड यू नो विल स्प्रेड further and fast. बहुत मज़ा आया, इतने सीजनड एक्टर्स हैं, इतना उनका कमाल काम है। आई हैव वॉच्ड एंड एडमायर्ड देयर वर्क फॉर सो मेनी ईयर्स एंड बड़ा मज़ा आता है ऐसे एक्टर्स के साथ यू नो टू शेयर द स्क्रीन स्पेस विद सच सीजनड एंड अमेजिंग एक्टर्स और उनका एंथुजियाज्म और उनका कमिटमेंट और उनकी जो ह्यूमिलिटी है विच इज़ जस्ट सो इंस्पायरिंग। कोई भी उनमें कोई इस तरह का कोई वेट नहीं है, कोई क्लाउड नहीं है दैट दे आर कैरिंग ओवर देयर हेड, यू नो, कि हम कौन हैं और ऐसा कुछ नहीं है, दे वेरी इजी। निम्रत जी, एकता कपूर हमेशा से वो जानी जाती हैं डेरी सोप्स के लिए, सास बहू जैसी प्रोग्राम्स के लिए, लेकिन ये जो द कास्ट केस है उसके साथ उन्होंने काफ़ी सरप्राइज किया है। जब आपके पास
जब एकता कपूर की प्रोडक्शन की तरफ से फिल्म का स्क्रिप्ट आया होगा, आपको कुछ लगा था कि डेली शो होगा, ऐसा कुछ होने वाला है? नहीं, एक्चुअली आई थिंक ये सब परसेप्शंस जो जो होती हैं सब लोगों के बारे में कि ये जो हैं ये कमर्शियली काम करते हैं, ये सिर्फ ऑफ बीट करते हैं, ये सिर्फ टीवी सीरियल्स करती हैं, ये सब परसेप्शंस और लेबल्स होते हैं जिनमें मैं बिलीव नहीं करती. आई थिंक हर अपॉर्चुनिटी हर इंसान को एक नया नया एक एक एक, एक नई दुनिया एक्सप्लोर करने का मौका देती है. और एक वो इंटरेस्ट होना चाहिए खुद में और एक एक वो इंथूजियाज्म होना चाहिए, विच इज़ व्हाट आई सॉ इन एकता व्हेन आई मेट हर. एंड आई सॉ दैट स्पार्क एंड दैट फायर इन हर एंड दैट इंटेंशन टू ब्रेक द क्लटर, टू जस्ट डू समथिंग दैट हैज़ नॉट बीन डन बिफोर. हर बिलीफ एंड फेथ इन दिस वॉज जस्ट rock solid, and that is something I found very attractive, and I think she's very astute and very sharp, and I think you know that's what makes her who she is. कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है ALT बालाजी के का ये जो production है, ये पूरा channel है, Netflix को भी काफी कड़ी टक्कर दे रहा है. जी मैं यही कहूँगी कि अपने आप में ऑल्ट बालाजी एक ब्रांड बने, एक अपनी एक पहचान खड़ी करे. अब वो किसी के कंपटीशन में है नहीं है, यू नो दैट इज़ अगेन रिड्यूसिंग द कैपेबिलिटी ऑफ समथिंग. आई थिंक इट्स गुड इफ इट डज द बेस्ट दैट यू नो वी हैव सेट आउट टू डू. जैसी फिल्में वापस हम उसमें आप देख पाएंगे? जी ज़रूर देख पाएंगे, क्यों नहीं देख पाएंगे. और वाई जस्ट एयरलिफ्ट, एक अलग अब कुछ करेंगे. अब यू नो द नेक्स्ट प्रोजेक्ट विल बी समथिंग एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड डिफरेंट. कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? जी फिलहाल तो नहीं, फिलहाल आई डोंट वांट टू कंफर्म एनीथिंग. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू, माय प्लेजर. थैंक यू. थैंक यू. व्हाट इज इट?